हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी पे। तो आज हम एक बिहार स्टेट से रिलेटेड जो एक अपडेट है, आज हम वो आपको देना चाहेंगे। यहाँ पे आप प्रधान सचिव संजय कुमार का ये ट्विटर हैंडल देख सकते हो। तो यहाँ पे इनसे इनके अगर आप ट्विटर ट्वीट्स एंड रिप्लाइज वाले सेक्शन में जाओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी से लगभग यहाँ मैं नीचे आओ 20 घंटे पहले और 16 घंटे पहले जो यहाँ पे एक इनका रिप्लाई है, अगर हम उसको पढ़ें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने इनसे पूछा है, आदरणीय सर, आप सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में होगा उसे सेंट्रलाइज तरीके से करने की कृपा करें। तो इन्होंने अपना रिप्लाई यहाँ पे दिया है, सेंट्रलाइज्ड एंड ऑनलाइन। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्टेट अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि जितने भी सिलेक्शन प्रक्रिया है वो सारे नियोजन इकाई के थ्रू, और नियोजन इकाई में तो आपको पता ही है कि कितनी धांधली होती है बिहार में। यहाँ पे घूस लिए जाते हैं और तब जाके जिनका सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी उनको जॉब दे दिया जाता है। काफ़ी सारे घूस की प्रक्रिया होती है जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ सारे सेंट्रलाइज्ड एवं ऑनलाइन हो जाती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा होगा। उन्हें हर जिले में खुद जाके उनको अप्लाई करने की वैसी ज़रूरत की जो प्रक्रिया थी वो अब शायद हम नहीं करने पड़ेगी। एक साइट होगा जिसपे सारे अभ्यर्थी अपना सारा डाटा जो है वो सबमिट करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है। लेकिन अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं है, जो यहाँ पे ये जो बहाली है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया था, या फिर एकेडमिक मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी जो कि नियमावली में दिया गया है। तो इस चीज़ को भी इन्हें क्लियर करना चाहिए था, या फिर बोर्ड ने रिजल्ट निकाला था उसी वक्त क्लियर करना चाहिए था, एवं मार्क्स जो हैं वो कैटेगरी के आधार पे देना चाहिए था, बट यहाँ पे डायरेक्ट मार्क्स दे दिया गया। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर ये वही बात है, जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में स्टेट क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन कन्फर्म है, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो उन्होंने यस कहा, यानी कि जितनी भी सीट हैं उतना रिजल्ट दिया गया है और सबका सिलेक्शन होना है, चाहे उनके नंबर कितने भी, बट ये नंबर के आधार पे होगा या फिर एकेडमिक मार्क्स के आधार पे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तो ये दो अपडेट थी जो कि आपको बताना जरूरी था। तो आप लोग कंफर्म हो जाएं कि ये सेंट्रलाइज्ड एवं ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो काफ़ी सारे लोग जो पहले से ही गेस करके बैठे हुए हैं जो नियोजन इकाई के थ्रू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये प्रक्रिया होती है तो काफ़ी सही रहेगा। और यहाँ पे आपको पता होगा कि 94,000 वाले में भी बोर्ड ने पहले नियोजन इकाई के थ्रू सब सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब लोगों ने ब्लॉक ब्लॉक जाके फिल किया, उसके बाद जाके फिर पटना में धरना हुआ था क्योंकि बहाली हो नहीं रही थी। फिर बोर्ड बोलती है कि हम ऑनलाइन करेंगे, तो फिर लोग जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने बोर्ड से अपील की, जो पहले हमने जब ब्लॉक ब्लॉक डाल दिया है तो फिर ये ऑनलाइन क्यों, आपको पहले बताना चाहिए था। बट फिर बोर्ड ने अपना रुख बदला और फिर जैसे वो प्रोसेस था वो वैसे ही आगे बढ़ेगा, जिसका केस यहाँ पे 5 अप्रैल को सुना जाना है। तो बट यहाँ पे ये सातवें चरण की जो बात की जा रही है, जो कि बिहार स्टेट की बात है, तो यहाँ पे जो सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर नहीं बताया गया कि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है जो जैसे जितना मार्क्स है उस आधार पे सबका सिलेक्शन होगा, वहाँ पे कोई सातवें आठवें या छठे चरण वाली बात लिखी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी इसे चरण में डालना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट आगे देखते हैं कि बोर्ड इस चीज़ को कैसे क्लियर करती है, क्योंकि अभी भी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है और काफ़ी कुछ वहाँ पे अभी किया जाना बाकी है। तो आशा करते हैं कि ये आपको यहाँ पे जो भी जानकारी अपडेट थी यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड वो आपको जानकारी हुई होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।